अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जब लोग आते हैं तो हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बस हम एक दो मिनट वेट करते हैं। जब मैक्सिमम लोग आ जाते हैं तो हम इसको फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तब तक जो लोग आ चुके हैं, आई वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ बैरी इंस्टीट्यूट। वो ठीक हो जाती है वॉइस, जब हम फॉर्मली स्टार्ट करेंगे तो होप सो जो वॉइस का इशू है वो क्लियर हो जाएगा। That's good. People are coming with very great pace. हमारे पास 106 लोग आ चुके हैं जी। बिल्कुल, आप लोगों के सारे क्वेश्चंस जो हैं उनका आखिर में आंसर किया जाएगा। उससे पहले हम एक जनरल टॉक करेंगे एंड आफ्टर दैट हम इसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर्मली। मैं अपने प्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूँगी, उसके बाद हम बाकी चीज़ों के ऊपर जो बात करेंगे मैं आपके साथ एजेंडा डिस्कस करूँगी। माई नेम इज़ डॉक्टर इफ्सा बतूल। बाय प्रोफेशन आई एम अ डॉक्टर। आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज। आफ्टर ग्रेजुएशन आई गो फॉर CSS एग्ज़ाम। 2019 मेरी पहली अटैम्प्ट थी और लकीली मैंने उसको क्लियर किया एंड नाउ आई एम एलोकेटेड इन पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज। उसके बाद जो बात आज आप लोगों से करनी है, जो एजेंडा आप लोगों से डिस्कस करना है, आप लोगों को पता है कि दैट इज़ अ फ्री गाइडेंस सेमिनार। हमने इसके अंदर आपको CSS के बारे में लाइक स्क्रैच फ्रॉम स्क्रैच हम बात करेंगे कि CSS होता क्या है, हम CSS कैसे कर सकते हैं, CSS करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से प्रीरिक्विजिट हैं, क्या CSS बहुत मुश्किल होता है, हमने इस चीज़ के ऊपर बात करनी है। और उसके बाद जो मेन चीज़ है कि CSS के बारे में आपको पता होता है बट करना कैसे है, क्या ज़रूरी है कि हम किसी एकेडमी में जाके करें या हम घर बैठ के भी कर सकते हैं। उसके बाद कंपल्सरीज तो चलो सेम होते हैं, उनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है, लेकिन अगर हम ऑप्शनल्स की बात करते हैं तो ऑप्शनल्स के अंदर जो आप अपनी मर्जी से 6 सब्जेक्ट्स चूज़ करते हैं, हमने वो देखना है कि वो कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो कितने डिसिसिव होते हैं आपकी फाइनल एलोकेशन के अंदर। उसके बाद हमें चीज़ प्रिपेयर कहाँ से करनी चाहिए, बुक्स या किसी के नोट्स या क्या लेना चाहिए। और फिर उसके बाद हमें एक आइडियल टाइम टेबल एक एवरेज कैंडिडेट को कौन से सूट करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम CSS के ऊपर बात करते हैं। CSS इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। आपको पता है कि इसको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाता है। आप इसकी जो टफनेस लेवल है या जो आप इसका जो कंपटीशन लेवल है, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि आपका कमीशन सर्विस आपको कहता है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। इसका मतलब है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए कि आपकी बेसिक डिग्री ग्रेजुएशन हो, आपसे जो एग्ज़ाम लिया जाएगा, आपसे जो पेपर लिया जाएगा वो एक ग्रेजुएट के लेवल का लिया जाएगा। हर एक स्टूडेंट का डिफरेंट लेवल होता है। अगर कोई मैट्रिक कर रहा है उसका डिफरेंट लेवल है, अगर कोई FSC कर रहा है उसका डिफरेंट लेवल है, उसके बाद अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसका लेवल है। आपका CSS के अंदर ग्रेजुएशन का लेवल चेक होता है।
अच्छा जी, पहली चीज़ तो ये, इसमें बेसिकली आपके 3 फेजेस होते हैं। आप लोग अभी एप्लीकेशन भेजते हैं, आप उसके लिए एक रिटर्न के लिए आप एक एप्लीकेशन देते हैं, और उसके बाद आपका रिटर्न एग्ज़ाम होता है जो कि फरवरी के अंदर होता है। आपने उसमें 12 मजमून को पास करना होता है। आप लोगों में से वो लोग जो क्वालिफाई करते हैं वो आगे नेक्स्ट स्टेज की तरफ जाते हैं, उसमें आपका साइकोलॉजिकल होता है, और साइकोलॉजिकल के बाद आपका फाइनल इंटरव्यू होता है पैनल के साथ। तीनों फेजेस बहुत क्रूशल होते हैं, लेकिन अभी हम जिस फेज के ऊपर बात करेंगे, जो हमारी पहली सीढ़ी है, जो पहली लैडर है, दैट इज़ रिटर्न। आप जब रिटर्न करते हैं तो फिर उसके बाद आप अगले एवेन्यूज को डिस्कवर करते जाते हैं। अगर हम रिटर्न की बात करते हैं तो रिटर्न के अंदर आपसे 12 मजमूनों का पेपर लिया जाता है। 6 मजमून वो होते हैं कि जो हर एक स्टूडेंट के कॉमन और सेम होते हैं, दैट इज़ इंग्लिश एसे, इंग्लिश प्रेसी, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, जनरल साइंसेज एंड एबिलिटीज एंड इस्लामियात। ये सबका सेम होता है। नॉन मुस्लिम्स के लिए इस्लामियात की जगह कंपैरेटिव रिलीजन्स आ जाता है, बट बाकी जितने भी लोग हैं उन तमाम के यही सब्जेक्ट्स होते हैं, एंड दे ऑल हैव टू पास दीज सब्जेक्ट्स। उनके लिए आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डिफरेंट हो सकती है, बट पेपर आप सबके पास सेम आता है। उसके बाद जो 6 ऑप्शनल्स होते हैं वो आपकी चूज करने होते हैं, आपकी चॉइस होती है। वहाँ पे आप देखें फॉर एग्जांपल कि आपने इसमें से कौन से सब्जेक्ट चूज़ किए हैं, आपके पास डिफरेंट वहाँ पे ग्रुपिंग हुई हुई होती है। जब हम ऑप्शनल्स के ऊपर बात करेंगे तो हम बताएंगे कि हाँ भाई, उस ग्रुपिंग के अंदर आपने कौन सा सब्जेक्ट लेना होता है, कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग होता है, कौन सा सब्जेक्ट आपको फैसिलिटेट करता है, कौन सा सब्जेक्ट आपके बैकग्राउंड नॉलेज के अकॉर्डिंग होता है। अच्छा जी, सबसे पहले हम वन बाय वन कंपल्सरीज पे बात करते हैं, देन हम ऑप्शनल्स पे बात करते हैं। CSS के लिए सबसे बड़ी हर्डल इज़ एन इंग्लिश। इंग्लिश एक बहुत बड़ा मसला कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो इंग्लिश के अंदर फेल हो जाते हैं। इंग्लिश इतना बड़ा मसला है कि हम कहते हैं कि बाकी मजमून तो पास हो जाएंगे, इंग्लिश का क्या करें। सो, अब इंग्लिश को आपने सबसे पहले तो कहना है कि इट्स अ लैंग्वेज। आपका ये एक ज़बान का इम्तिहान है। आप देखें मुख्तलिफ ज़बानें होती हैं। आप लोग अक्सर लोग बाहर जाने के लिए कोरियन या जर्मन सीखते हैं, उसके कुछ असूल होते हैं, उसके एक ख़ास तरीक़ाकार होता है कि जिसके मुताबिक आप उसे सीखते हैं। आप उसी तरीक़े के अंदर उसकी बात करते हैं, उसकी एक स्पेसिफिक ग्रामर होती है जिसके अंदर आप बात करते हैं। इंग्लिश को सबसे पहले आप एज अ लैंग्वेज एक्सेप्ट करें, आप कहें कि वो एक ज़बान है। सबसे पहले आपने अपने आप को इस काबिल बनाना है कि आप उस ज़बान में बात कर सकते हैं या लिख सकते हैं। द थिंग इज़ दैट कि आप लिख सकते हैं। आप उर्दू में कहते हैं हम वहाँ गए थे, आपको इंग्लिश में गए थे, गा था, कौन थे, क्या थे के बारे में पता होना चाहिए। आप बता सकते हैं कि ओके जी, लैंग्वेज को हमने इस तरीके से डील कर। लैंग्वेज के ऊपर जब अबूर आ जाता है, या अबूर से मेरी मुराद ये नहीं है कि आप उसके अंदर परफेक्ट हो जाते हैं, सिर्फ जो आप बात करें वो अगले एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपकी लैंग्वेज कैसी है। तो दूसरी जो चीज़ है इंग्लिश के अंदर वो है आपके आइडियाज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपका इंग्लिश के अंदर अब आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज़ और आइडियाज़ जो चेक किए जाते हैं, उसमें ये देखा जाता है कि आप कितने रिफाइन हैं। आपको अगर कोई एक चीज़ बताई जाती है तो आप बाकी लोगों से उसके ऊपर किस तरीके से मुख्तलिफ होकर सोचते हैं। आपके ऊपर अगर एजुकेशन से ऊपर बात की जाती है तो बाकी लोग अगर एजुकेशन को स्कूल क्लास से रिलेट करते हैं तो आप इसके ऊपर वन स्टेप फर्दर जाके क्या सोच सकते हैं, एजुकेशन के मसाइल क्या हैं, उनका हल क्या है। तो ये है जी हमारे पास बेसिकली इंग्लिश के लिए कि आपका एसे की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज, एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि आपके आइडियाज़। आपके आइडियाज़ कैसे हैं और आपकी लैंग्वेज कितनी रिफाइन है, ये आपने उस पेपर के अंदर आपका देखा जाता है। उसके बाद जी अगली चीज़ जिसके अंदर हम कहते हैं कि अब आइडिया एंड लैंग्वेज से आगे जाके दूसरा हमारा पेपर है प्रेसी एंड कम्प्रीहेंशन। इस पेपर के अंदर आपके 2 स्किल्स चेक किए जाते हैं। वन इज़ जो रिटेंशन पावर, जिसको आप कहते हैं हाउ टू रिटेन द थिंग्स, एंड वट इज़ रटलाइजेशन। जो आप चीज़ें, अब फॉर एग्जांपल आपकी वोकैबुलरी उसके अंदर चेक की जाते हैं, आपके पेयर ऑफ वर्ड्स चेक किए जाते हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स के साथ साथ जो दूसरी चीज़ चेक की जाती है उसके अंदर, वो ये चेक किया जाता है कि आपके
idioms कैसे हैं, आप preposition and all those things, इनके ऊपर कोई रूल नहीं होता. I can't say you कि ये एक वर्ड है, इसकी इसके पीछे ये रूल है, इसका ये मतलब है. आपको याद करना पड़ता है. आप गिलास को गिलास कहते हैं, इसके पीछे वी डोंट हैव एनी पर्पज, एनी रूल कि भाई क्यों कहते हैं गिलास को जग, क्यों नहीं कहते. सेम इज़ द केस कि हम जब वकैब के ऊपर या बाकी जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसके ऊपर बात करते हैं, तो उसके ऊपर हमारा कोई रूल नहीं होता. वी हैव टू प्रिपेयर इट, हमें उसे डेली बेसिस पे याद करना होता है, रिटेन करना होता है. उसके बाद अगली चीज़ हमारे पास आती है, उस पेपर के अंदर प्रेसी, कंप्रिहेंशन एंड ट्रांसलेशन, तीन सॉलिड चीज़ें जो सब्जेक्टिव के अंदर हम काउंट कर सकते हैं. प्रेसी का मतलब होता है एक बड़ी बात को छोटा करके बयान करना, प्रिसाइज करना. आपको अगर कहा जाए कि ये किताब लो और इस किताब को छोटा करके तकरीबन एक सफ़े पे बता दो, आपको नहीं समझ आएगी कि इसको एक सफ़े पे कैसे बता लें. लेकिन अगर यही प्रैक्टिस आप पूरा महीना करेंगे, यही प्रैक्टिस आप दो महीने करेंगे, तो आप बड़े ही ईजीली किसी भी किताब को प्रिसाइज करके बता सकते हैं. क्योंकि ये जो आर्ट है, इट कैन ओनली बी मास्टर्ड बाय प्रैक्टिस. प्रेसी के लिए ओनली की इज प्रैक्टिस. कंप्रिहेंशन इसके लिए भी यही चीज़ है. आप जब किसी चीज़ को जितना डिटेल पढ़ेंगे, आप उस चीज़ में से ट्रांसलेशन के अंदर आप अपने जेन में आइडियाज़ को ट्रांसलेट करना शुरू करें. आप अपने घर में कोई बात करते हैं किसी बहन भाई से, अपने पेरेंट्स के साथ, उसके ऊपर आपको जो रिस्पांस मिलता है वो आपको कहते हैं, कोई भी सिंपल सी बात कहते हैं, आज क्या पकाएं, आज क्या खाएं, उसको आप अपने माइंड में ट्रांसलेट करें, तो इस तरह आपकी ट्रांसलेशन अबिलिटीज़ भी इनक्रीज कर जाती हैं. ये हमारे इंग्लिश के लिए जी की टर्म्स हैं, की रोल्स हैं जो हमें करने चाहिए. उसके बाद इंग्लिश के लिए अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है, तो आप देखें कि ख़राब चीज़ उस वक्त ठीक होती है जब उसके अंदर ख़राबी बताई जाए. सो द मस्ट थिंग इज़ कि आप इवेल्युएशन करवाएं, आप अपनी लिखी हुई चीज़ को इवेल्युएट कराएं किसी भी मेंटोर से. अब ये मैं नहीं कहूँगी कि उसके लिए आपको कहीं लाहौर या इस्लामाबाद कोई मेंटोर जाके ढूंढना होगा. अगर आपके इर्द गिर्द, आपके घर, आपकी बड़ी बहन, आपका भाई कोई बेसिक इंग्लिश जानता है, उसको आप कहें कि जस्ट मेरा स्ट्रक्चर चेक करो, मैंने ठीक लिखा. इस तरह आपकी इवेलुएशन हो जाती है. उसके बाद अगली चीज़ है हमारे पास पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स एंड जर्नल साइंसेज एंड अबिलिटीज. ये वो तीन पेपर होते हैं जो आप मिला के पास करते हैं. पाकिस्तान अफेयर्स से अगर हम स्टार्ट करें, तो उसका पेपर जो है उसकी तीन मेन चीज़ें हैं. एक है आपकी पार्टीशन से पहले का टाइम, जिसको हम कहते हैं कि हिस्ट्री. हमने देखा कि किस तरीके से उसके ऊपर पाकिस्तान बनने के लिए कोशिश, मेहनत की गई. फिर हम देखते हैं कि दैट इज़ द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान के अर्ली प्रॉब्लम्स क्या क्या थे. उसके बाद पाकिस्तान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कौन से पापड़ बेले, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री. उसके बाद जो तीसरा पोर्शन है, दैट ओवरलैप्ड विद अ करंट अफेयर्स, उसको हम कहते हैं करंट के जो इश्यूज़ हैं. आज का पाकिस्तान अगर पानी के लिए तरस रहा है, आज का पाकिस्तान अगर इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है, तो उसमें हमने देखना है कि ओके, अब उसके ऊपर हमने क्या बात करनी है. तो ये आपकी तीन डोमेन्स होती हैं. जो डोमेन जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपकी करंट की होती है. उसके बाद आपके जो पाकिस्तान बनने और पाकिस्तान बनने से पहले की डोमेन है, उसमें से भी सवाल आते हैं. इसलिए पाकिस्तान अफेयर के ऊपर किताब पढ़ने के लिए आपको एक किताब ऐसी होनी चाहिए जो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, जो आपको हिस्टोरिक व्यू दे, और एक आपकी किताब वो हो कि जो करंट सिनेरियो, आज के पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर बात करे. कमिंग टू करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स की डोमेन्स होती हैं. इसी तरह हर एक सब्जेक्ट के कोर एरियाज फाइंड करें. करंट अफेयर के अंदर आपके इंटरनेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज़ में आप देखें, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड, आप सबसे पहले पाकिस्तान को सेंटर पे रखें और इर्द गिर्द उसके नेबर्स को खड़ा करें और आप कहें कि ये इंटरनेशनल इश्यूज़ किस तरीके से बन रहे हैं. पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान, इस तरीके से आपने उनको क्या करना है, उनको नेबर्स के अकॉर्डिंग पाकिस्तान एंड चाइना करके बात करनी. ये पहली आपने अपने पड़ोसियों के बारे में बात की. फिर आप अपने पड़ोसियों से थोड़ा आगे चलें और पावर्स के ऊपर बात को ले जाएं. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम एंड ऑल दोज पावर्स के जिनको हम वर्ल्ड पावर्स के नाम देते हैं, या जिनको हम ग्रेट फाइव या ग्रेट सेवन का नाम देते हैं, अब उनके इश्यूज़ की आप बात करें.
अब इन यही दो इंटरनेशनल में यही दो चीजें होती हैं। ये नहीं होता कि आप किसी इंटरनेशनल के अंदर किसी मुल्क के बजट पे चले जाएंगे, नो। इंटरनेशनल के अंदर जो आपका अखबार, जो आपका मीडिया जिस चीज को हाईलाइट कर रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट, और वो भी इस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है कि उस इंटरनेशनल जो हमारे पास इम्प्रूवमेंट, इंटरनेशनल जो भी एडवांसमेंट हो रही है, वो पाकिस्तान को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही है। मेक श्योर किसी भी चीज़ को पढ़ते हुए आप ये देखा करें कि पाकिस्तान का इसको क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। उसके बाद जी जो तीसरी डोमेन है वो आपकी नेशनल डोमेन्स है। नेशनल डोमेन के अंदर अब आपकी सब डोमेन्स हैं। नेशनल डोमेन में आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले उसके सोशल इश्यूज कौन से हैं, जिसके अंदर एजुकेशन, पावर्टी, हेल्थ आ जाता है। दीज आर सोशल इश्यूज जो सोसाइटी के लोगों के साथ लिंक्ड होते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल इश्यूज में आप देखें कि हमारी जो फेडरेशन या स्टेट का मिसट्रस्ट है, उसके ऊपर आपने बात करनी है। प्रोविंसेस और सेंटर के दरमियान के रिलेशन अगर कोई मसला है तो उसके ऊपर आपने बात करनी है। गवर्नमेंटल इश्यूज हैं तो उसके ऊपर आपने बात करनी। सोशल पॉलिटिकल के बाद तीसरी डोमेन है जी इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल के अंदर आप देखें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो किस सतह पे है, हम किस तरीके से सफ़र कर रहे हैं, हम जो पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं, अबाव हैं, ये वो, उसके ऊपर बात करें। और चौथी जो डोमेन है उसको हम एज सच प्रिपेयर नहीं करते, क्योंकि हमारे पास मोस्टली लोगों ने जेंडर स्टडीज ऑप्ट किया हुआ होता है, तो जेंडर बेस्ड इशूज़, जेंडर बेस्ड वायलेंस, या फिर जो वमेन इशूज़ जिनको हम कहते हैं, या जो जेंडर बेस्ड हमारे स्टीरियोटाइपिक इशूज़ होते हैं, उनकी हम बात करते हैं। तो ये आपके पास डोमेन हो जाते हैं। करंट अफेयर की तैयारी करते हुए लोगों को इसलिए मुश्किल होती है कि करंट अफेयर की किताब ये नहीं है कि अब ये किताब छप गई है, ये पढ़ लो। करंट अफेयर के लिए आपको फ्रॉम वेरी डे बिफोर द पेपर भी प्रिपरेशन करनी होती है। आपको क्या पता कि जो आज हुआ है, हो सकता है वो कल पूछ लिया जाए, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है। और करंट अफेयर की तैयारी इसलिए लोगों को मुश्किल लगती है। उसको आसान बनाने का तरीका ये है कि इशू वही चल रहा होता है। वो लोग जो अखबार फॉलो करते हैं वो देखेंगे कि अखबार के अंदर रोज़ नई चीज़ नहीं आती, अखबार के अंदर रोज़ एक पुरानी चीज़ का नया पहलू आता है। कश्मीर का मसला वही है जो आप देखेंगे कि कब से चलता आ रहा है, सिंस डिकेड्स आप उस इशू को देखते आ रहे हैं। अगर उसके अंदर कुछ ऐड होता है तो उसकी कंडीशन जो है या एवर्स होती है या इम्प्रूव होती है, नई चीज़ नहीं आती। आप क्या करें, किसी भी टॉपिक की बैकअप हिस्ट्री, आज तक होने वाली एडवांसमेंट ऐड करते जाएं, और फिर करंट अफेयर की जो तैयारी है उससे आगे कहें कि जो जो हो रहा है आप उसमें ऐड करते जाएं। दैट इज़ योर करंट अफेयर्स। उसमें आप अक्सर लोग ये करते हैं कि अपने लैपटॉप्स के ऊपर वर्ड में डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, कुछ लोग अपने रजिस्टर्स को पार्टीशन कर लेते हैं। सो ये आपके पास आइडियल वे होता है। तीसरा सब्जेक्ट दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जनरल साइंसेज एंड वो सब्जेक्ट जो आपकी सबसे ज़्यादा एनर्जी का हकदार है। इन तीनों सब्जेक्ट्स को मिला के पास करना होता है। पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर में अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आपका एग्जामिनर मैक्सिमम आपको 70 तक ले जाएगा, लेकिन अगर आप जर्नल साइंस एंड एबिलिटी, आप देखें साइंस एंड एबिलिटी, आप इमेजिन करें व्हेन यू वाज इन 10th क्लास, आपको आप साइंस का पेपर ठीक करते थे 100 में से 100 नंबर, आप मैथ्स के क्वेश्चन ठीक करते थे 100 में से 100 नंबर, सेम इज़ द केस यहाँ पे। जो साइंस की चीज़ें पूछी गई हैं आपने वो की हैं तो इट्स गुड। आपसे जो मैथ्स पूछा गया है आपने उसको सही कैलकुलेट किया है, आपको नंबर मिलेंगे। आप 85 उससे भी ऊपर के नंबर ले लेते हैं तो अल्टीमेटली जो आपकी तीनों सब्जेक्ट की एवरेज है वो किस तरीके से इंक्रीज हो जाती है कि आप एक सब्जेक्ट में अगर अपनी ज़्यादा एफर्ट पुट करें, जहाँ से आपको पता है कि आउटपुट आपको ज़्यादा मिलना है, तो अल्टीमेटली एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज कर जाती है। Now coming to the very important, the crucial subject, Islamic studies and Islamiyat. Islamiyat, अब वो Islamiyat नहीं रही कि जो हम पेपर से एक दिन पहले पढ़ के अपनी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में पेपर दे आते थे, कहते थे भाई क्या है, नमाज पूछ लेंगे, रोज़ा पूछ लेंगे, बचपन से पढ़ते आए हैं, मुसलमान हैं, हमें पता है। अब आपकी इस्लामिक स्टडीज़ कंटेम्प्रेरी इशूज़, कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस को सामने रखते हुए आती है। अब आपका एग्जामिनर ये चेक करना चाहता है कि अगर ये ऑफिसर कल किसी एरिया में, किसी डिपार्टमेंट में रिक्रूट होकर जाता है तो वहाँ पे ये आज के मसाइल और इस्लाम के दरमियान तवाज़ुन किस तरह कायम करेगा। अगर उस इदारे के अंदर कोई गैर मुस्लिम काम कर रहा है तो इसकी मुसलमानी उसको इजाज़त देती है कि ये उसके साथ नॉर्मल बिहेव करेगा या ये उसको वहाँ पर बर्दाश्त नहीं करेगा। सो आपका इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर इस सेंस में कंटेम्प्रेरी आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं एक क्वेश्चन बताती हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम, आपको सबको पता है भी औरत को इस्लाम ने हकूक दिए हैं,
किसी आम लेमैन से भी पूछो, ना पढ़े लिखे बंदे से भी पूछो, वो कहता है औरत को बड़े हकूक दिए हैं, माँ के रूप में देख लो, बहन देख लो, बेटी देख लो, बीवी देख लो। बट आपका एग्जामिनर कहता है कि फेमिनिस्ट मूवमेंट इज अकॉर्डिंग टू इस्लाम, ये जो फेमिनिस्ट मूवमेंट चली है, ये जो तुम लोग हैशटैग मी टू लगा रहे हो, ये जो तुम औरत मार्च के पोस्टर उठा के चल रहे हो, क्या ये इस्लाम के मुताबिक है या नहीं है? वो अब आपको देखना चाहता है, भाई आप ऐसी हैं, आपने देखा कि बाहर औरतें जो हैं वो पोस्टर उठा के जा रही हैं, अब आप क्या करते हैं? उन पर हथियाचार करते हैं, डंडा उठाते हैं, क्या करते हैं? आपका इस्लाम उसके ऊपर क्या कहता है, आप उस सिचुएशन को कैसे डील करते हैं? तो ये आपका इस्लामियात का पेपर, इसलिए इस्लामियात के अंदर फेलियर रेशो ज़्यादा होती है क्योंकि इस्लामियात के अंदर स्टूडेंट मॉडरेट अप्रोच नहीं रखते। मॉडरेट अप्रोच के बाद दूसरा इशू उसके अंदर ये होता है कि उसको कंटेम्प्रेरी इशूज़ के साथ रिलेट नहीं करते। और आप देखें कि इस्लामियात का पेपर जो होता है उसमें वो नहीं होता ऐसे के अंदर के या ये साइड ले लेंगे या ये साइड ले लेंगे। वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी साइड लेनी है। वहाँ पे ये हो सकता है आप जो साइड लें वो आपको पिनलाइज कर दे। सो आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन के ऊपर मेरा क्या स्टांस होना चाहिए। तो आप ये थीजिए हमारी एक ब्रीफ सी जो डिस्कशन कंपल्सरीज के ऊपर। नाउ बिफोर गोइंग टू ऑप्शनल्स, मैं आपको ये बताऊं कि ऑप्शनल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शनल्स एक बहुत डिसाइसिव रोल प्ले करते हैं किसी भी एलोकेशन के अंदर, आपके ग्रुप के अंदर, क्योंकि अभी हम जब रिटर्न की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि जस्ट हमने क्या करना है कि इस पेपर को पास करना है। लेकिन जब हम इस फेज से गुजर के आगे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि एक एक नंबर के ऊपर 10-10 पोजीशंस हैं। तो हमारा अगर एक सब्जेक्ट भी हमने गलत चूज़ कर लिया है और एक सब्जेक्ट हमने अच्छा चूज़ कर लिया है तो एक ज़मीन और आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। दैट इज़ माई ओन स्टोरी कि मेरे साथ मैंने एक गलत ऑप्शनल उठाया तो उसने मुझे कैसे पिनलाइज किया। मैं आपके साथ वो भी शेयर करना चाहती हूँ कि हमें ऑप्शनल्स के ऊपर क्यों इतनी ज़्यादा फोकस करना चाहिए, हमें अपने ऑप्शनल्स के ऊपर क्यों इतनी ज़्यादा एनर्जी लगानी चाहिए। अच्छा जी, ऑप्शनल्स आपके जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक आपके वो ऑप्शनल्स होते हैं जो आपके बैकग्राउंड नॉलेज के अकॉर्डिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने MBA किया हुआ है, आप कंप्यूटर साइंस वाले हैं, आप इंजीनियर हैं, आप फिजिक्स ले सकते हैं, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ले सकते हैं, कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, वो आपका मदर सब्जेक्ट है, आपकी उसके ऊपर कमांड है। लेकिन अगर आप उसके बाद दूसरी कैटेगरी उन लोगों की आती है जो हमारी तरह होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं या सिंपल BA वाले होते हैं जिनके कोई ऐसे बैकग्राउंड का सब्जेक्ट नहीं होता जो कि मदर सब्जेक्ट हो, उन्होंने फिर एक जेनेरिक कम्बिनेशन लेना होता है। उस जेनेरिक के अंदर फिर तीसरी कैटेगरी होती है हिट और फ्लॉप की। लोग कहते हैं हिट और फ्लॉप कुछ नहीं होता, हिट एंड फ्लॉप होता है। हिट एंड फ्लॉप से मुराद ये है कि अगर आप एक सब्जेक्ट ऐसा ले लें कि जिस तरह के पंजाबी है कि जिसके अंदर एक इंसान को नॉर्मल पता है कि भाई ठीक है बाबा फरीद एक पंजाबी के शायर थे और उसने उसके ऊपर बात की है तो वो भी 50 नंबर ले लेगा। लेकिन उसके मुकाबले में कोई बंदा ऐसा है कि जिसने बड़ी एनर्जी लगा के पेपर किया है और अल्टीमेटली वो उसके अंदर क्या हुआ है कि 40 के अंदर उसके नंबर आ रहे हैं लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो हमें इस चीज़ के ऊपर बहुत ही फोकस होके देखना पड़ता है कि सब्जेक्ट की हिस्ट्री उसका फ्यूचर कैसा प्रिडिक्ट कर रही है। हमें इस चीज़ के ऊपर देखना पड़ता है कि हाँ भाई कौन सा सब्जेक्ट हिट है, कौन सा सब्जेक्ट फ्लॉप है, क्योंकि ये वाकई एग्जिस्ट करता है। 2015 के बाद ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है हिट और फ्लॉप। अब हम अगर एक पोर्शन वाइज बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं 200 के सब्जेक्ट से, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन जेनेरिक सब्जेक्ट्स हैं। अब इंटरनेशनल रिलेशन किसको लेना चाहिए और पॉलिटिकल साइंस किसको लेनी चाहिए? इंटरनेशनल रिलेशंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर कोई बंदा कहता है कि उसकी एनालिटिकल एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, अगर वो इस बात के ऊपर यकीन रखता है कि वो पेपर कहीं से भी आए उसको इतना आइडिया है कि वो उस पेपर को कैरी कर सकता है, वो किसी भी इशू के ऊपर थ्योरेटिकल एप्लीकेशन कर सकता है, तो आपने क्या करना है कि इंटरनेशनल रिलेशंस ले लेना या फिर आपका वो बैकग्राउंड सब्जेक्ट है। अदरवाइज पॉलिटिकल साइंस एक अच्छी चॉइस होता है हम जैसे लोगों के लिए जिनका जेनेरिक जो है वो बैकग्राउंड होता है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस जो होता है वो एक आपका सिलेबस ओरिएंटेड पेपर होता है, वो एक डोमेन वाइज सब्जेक्ट होता है, आपने जो चीज़ प्रिपेयर की होती है आपका उसमें से मोस्टली पेपर आ जाता है। आप देखें अगर किसी फिलोसोफर की फिलॉसफी है तो वो तो अब चेंज नहीं होगी ना, अब वो उसके ऊपर ही सवाल होगा और आपने उसको उसके अकॉर्डिंग ही जवाब करना होगा। तो 200 की हमारी ये जो कन्फ्यूजन है ये तो यहाँ पे बात होती है।
उसके बाद एक हमारा पोर्शन आता है लॉज के सब्जेक्ट्स का. लॉ ज़ाहिरी बात है उस पर फिर आप उसने आपको स्पेसिफिक से कर दिया है कि आप लॉयर जो है अगर हैं तो आपकी एक्सीलेंसी है या फिर आप लॉ को अंडरस्टैंड करते हैं. उसके अंदर एक जेनेरिक लॉ जो मोस्टली लोग लेते हैं वो है इंटरनेशनल लॉ और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. लेकिन उसके अंदर एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है क्रिमिनोलॉजी का. क्रिमिनोलॉजी एक जेनेरिक सब्जेक्ट है पुलिसिंग के ऊपर, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर, प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान के अंदर कि कौन सी पुलिसिंग फेस कर रही है. तो वो एक जेनेरिक सा सब्जेक्ट बन जाता है जो कि एक आम इंसान, एक जेनेरिक बैकग्राउंड वाला इंसान, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग वाला इंसान उसको कैरी कर सकता है. फिर चॉइसेस जो और जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो फिर आपने सब्जेक्ट तो वही लेना होता है. उसके बाद हिस्ट्रीज का आता है. हिस्ट्रीज में डिफरेंट हिस्ट्रीज हैं, इंडो पाकिस्तान की हिस्ट्री है, उसके अलावा यूएसए की हिस्ट्री है, यूरोप की हिस्ट्री है. अब आपका इसके अंदर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी हिस्ट्री ली है. अब अगर आपने ली है जी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की हिस्ट्री तो उसका सबसे बड़ा प्रो ये होता है कि उसकी उसका सिलेबस कम होता है. लेकिन उसके अगर हम कौन की बात करते हैं तो वो एक अनसर्टेन सब्जेक्ट हो गया. उसमें आप ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई आप इसके अंदर स्कोर इतना ही अच्छा आएगा. इंडो पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है वो एक लेंथी हिस्ट्री है. 2015 से पहले ये 200 नंबर का सब्जेक्ट होता था तो उसके बाद इसको 100 नंबर का सब्जेक्ट कर दिया गया और जो आपकी बेसिकली जितना भी सिलेबस है वो वही रखा गया. अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप लें. उसके अलावा एक यूरोपियन हिस्ट्री है. यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में ये कहा जाता है कि यूरोपियन हिस्ट्री एक बहुत अच्छी और स्कोरिंग हिस्ट्री है. स्कोरिंग हिस्ट्री इन सेंस ये है कि उसके अंदर आपका जो स्कोर है वो बड़ा अच्छा आता है, उसकी सर्टेनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है. अगर हम उसकी सर्टेनिटी की बात करते हैं तो वो एक सर्टेन सब्जेक्ट है. उसके अंदर बहुत कम हुआ है कि आपने देखा हो कि वो फ्लॉप हुआ है. उसके बाद हम अगर किसी एक और जो है जिसके अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ये सब्जेक्ट्स आते हैं, वो लोग जो कहते हैं कि हम हिस्ट्री हमें नहीं पसंद, तो वो मोस्टली इसमें से कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं. अब उसके अंदर इशू क्या होता है कि आप जब लेते हैं उसको तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने बहुत ज़्यादा उस पर मेहनत कर दी है, बहुत पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी वो एक जेनेरिक पेपर है. जो पेपर जेनेरिक होता है उसमें कुछ नहीं आप कह सकते कि एग्जामिनर को क्या पसंद आएगा, एग्जामिनर को क्या नहीं पसंद आएगा. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस ऐसे सब्जेक्ट्स हैं. लेकिन जो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल जेनेरिक सा, आप कुछ पढ़ के, आप पूरी किताब पढ़ के चले जाएं. अक्सर ये होता है वहाँ पे जब आप पेपर देखते हैं आप कहते हैं कि मतलब आप एलियन फील करते हैं खुद को कि आई डोंट नो कि ये क्या आ गया. ठीक है, उसके बाद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक अच्छा सब्जेक्ट है बिजनेस वालों के लिए. उसके बाद उसके अंदर जो हम आगे चलते हैं तो हमारा एक लैंग्वेजेस का आता है. लैंग्वेजेस के साथ कुछ सोशल साइंसेस भी ऐड है. लैंग्वेजेस के अंदर गोल्डन होती हैं, लैंग्वेजेस के अंदर बहुत ही अच्छे सवालात आते हैं. उसमें ये होता है कि लैंग्वेज में आपके बड़े अच्छे नंबर आ जाते हैं. पंजाबी हो गई, सिंधी हो गई, बलोची हो गई. ठीक है, तो उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है कि साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी. साइकोलॉजी एक अच्छा सब्जेक्ट है बिकॉज आई नो इट कि माय फ्रेंड इज़ एन एमफिल साइकोलॉजी आमना, वो बहुत अच्छी है साइकोलॉजी में. उन्होंने बेसिकली साइकोलॉजी ऑप्ट की तो मैंने नहीं की थी, तो उनका पर्सनल व्यू ये है कि साइकोलॉजी एक अच्छा सब्जेक्ट है. उसके बाद हम सोशियोलॉजी की अगर बात करते हैं और एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं तो सोशियोलॉजी भी मेरी एक फ्रेंड ने चूज़ किया, सारा ने, और उनके बड़े अच्छे स्कोर आए. तो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी जो है वो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है. लेकिन अगर आपको आता हो लाइक साइकोलॉजी मैंने आपको जिनका बताया वो एमफिल साइकोलॉजी है, तो एमफिल जो लेवल का बंदा होता है और जो बीएस लेवल का बंदा होता है उनके आपस में भी बड़ा फ़र्क होता है. और फिर जिसने साइकोलॉजी सिरे से पढ़ी नहीं है तो उसके लिए सिलेबस काफ़ी है उसका. बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो अच्छे होते हैं. लेकिन अगर आप पंजाब से हैं, पंजाबी हैं, सिंधी हैं, बलोची हैं और आप अच्छे तरीके से इसको क्या कर सकते हैं कि लिख सकते हैं किसी चीज़ को, तो द थिंग इज़ दैट कि आप कहें कि ठीक है, लैंग्वेज एक आपकी सेफ चॉइस होती है. ठीक हो गया, तो ये हमारी एक जर्नल जो बात थी वो हमारी एक ऑप्शनल्स के ऊपर और कंपल्सरीज के ऊपर. ठीक है, अब आपके जो क्वेश्चंस हैं, हाँ जी, सवाल आपने किया कि इंडो पाक आपको लेनी चाहिए, आपको तुगलक और पता नहीं कौन कौन पसंद है. तो अगर आपको पसंद है तो आपको लेनी चाहिए. फिर आप बेशक आपको कोई चीज़ पसंद है आप उसके अंदर. अच्छा जी, आई डोंट नो क्या इशू हुआ था, बीच में पॉज हो गया था एंड नाउ इट स्टार्टेड. कि स्टूडेंट पूछते हैं कि हाँ जी तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए. एक आइडियल अप्रोच ये होती है कि इंग्लिश को तो आपने साथ लेके चलना ही है. अब फर्स्ट डेट स्टार्ट करते हैं.
एंड तक उसको जो है वो लेके चलते रहते हैं। इंग्लिश आपकी जो है उसके अंदर तो चलती ही है ट्रेनिंग, आप ये करें कि एक कंपलसरी और एक ऑप्शनल एट अ टाइम स्टार्ट करें। आप एक मंथ का टारगेट रखें कि आप एक महीने के अंदर क्या करेंगे, अपने कंपलसरीज और ऑप्शनल प्रिपेयर करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद जब हम दूसरी चीज़ करते हैं कि अच्छा जी अब आपने किताबें कौन सी पढ़नी है, तो आप अच्छा मैं आपको अपने ऑप्शनल बताती हूँ, पहले जो हम बात करें उसको हम कर लें। आई डोंट नो कि इंटरनेट का कोई इशू हो रहा था। तो बेसिकली ये है कि आप उन किताबों में, बाकी आप एक जर्नल किताब खरीद लें जो आपके सिलेबस को कवर करती हो और उसमें आपको पता हो कि ये सिलेबस की आउटलाइन है, तो ये मेन चीज़ है कि जिसके ऊपर आपने देखना होता है। उसके बाद ऑप्शनल्स मेरे जो थे, मेरे पॉलिटिकल साइंस था, जेंडर स्टडीज, और उसके बाद जेंडर स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, क्रिमिनोलॉजी, पंजाबी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉज बेस्ट चॉइस, मैंने आपको पहले बताया जी। यहाँ पे आप जो कह रहे हैं कि स्पेसिफिक नोट्स, मैंने ये कहा, मैं इस चीज़ को काफ़ी डिस्करेज करती हूँ कि आप किसी भी एक इंसान के बने हुए नोट्स लें, वो अपने स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में बनाते हैं। आपने अगर किसी CSP के लिए हैं तो उसने अपने साल में बनाए होते हैं, और आप जो हैं वो अब आकर या आ जाकर लेंगे तो वो आपको कोई मदद या नहीं करेंगे। आप अपने नोट्स बनाएं, नोट्स बनाने से मुराद ये नहीं है कि नोट्स बनाने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप कोई टॉपिक प्रिपेयर करें और पास्ट पेपर का क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। क्वेश्चन जब आप अटैम्प्ट कर लेंगे तो वो आपके पास नोट्स बन जाएंगे, ये आपका एक तरीका होता है। ये नहीं है कि आप हर एक टॉपिक लिखना शुरू कर दें। आप पिछले 10-1 साल के पेपर जो है उनका प्रिंट निकालें और उनके जो अंदर क्वेश्चन आए हुए रिपीट हुए हैं या चले, वो तो आप एक दफ़े ही करेंगे।